वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हमारा आता है वो क्वेश्चन ये है, इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। मींस हम जो वेस्ट अपने डे टू डे लाइफ में एनवायरनमेंट पे फेंकते हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। आप देखते होंगे हमारे घर से हर रोज कूड़ा कचरा निकलता है या बाहर से भी कूड़ा कचरा निकलता है, मतलब हर जगह से कूड़ा कचरा निकलता है जो आप डस्टबिन में जाके फेंक देते हैं अपने रोड के पास। उस डस्टबिन का आखिर होता क्या है, वो कचरा वो वापस कहाँ फेंकता है और उसका हमारे नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें है, ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूस ए लॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल व्हिच आर थ्रोन अवे इनटू एनवायरनमेंट। दिस वेस्ट कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये लॉट्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं और यही वेस्ट आगे चलकर एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। ओके, द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस आर ऑफ टू मेन टाइप, दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मीन जो हम वेस्ट फेंकते हैं उसमें दो तरह का वेस्ट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों में अंतर क्या है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसको ऑर्गेनिज्म से होता है, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसको खा लेता है, मतलब कि उसको खत्म कर देता है उस वेस्ट को। जैसे कि अगर आप कोई खाना फेंक, मतलब सिंपल अनाज का टुकड़ा या पेड़ का पत्ता भी जो गिरता है वो आप देखिएगा कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा छोटा है वो उसको खा लेता है। या सिंपल आप जो सिंपल खाना भी फेंकते हैं वो भी इसी तरह से उसको खत्म हो जाता है वो आगे चलकर। या पेपर जो फेंकते हैं कागज का वो भी बायोडिग्रेडेबल है, बट प्लास्टिक जो है वो मेनली है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो एनवायरनमेंट पे मेनली असर पकड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, खास करके सॉइल पॉल्यूशन जो फैला रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको कोई नहीं खा सकता। अगर आप 25 साल बाद भी कहीं प्लास्टिक फेंक के 25 साल बाद भी उस जगह को खोलेंगे तो वो प्लास्टिक वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो हमें सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल आर द वेस्ट विच आर डिकम्पोज इन टू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। उसका एग्जाम्पल है वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्स, किरल्स, कॉटन, जूट, वूल। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो ये वेस्ट वैसा है जो कि डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल पॉलिथिन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड ग्लास। ग्लास को भी हम लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं है ग्लास। अब आता है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब इकोसिस्टम और कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसमें। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो आता है, हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इसमें दो तरह का होता है, इकोसिस्टम एंड कंपाउंड इकोसिस्टम। तो हम लोग पहले इकोसिस्टम बात करते हैं। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड देयर इंट्रैक्शन। मीन्स इकोसिस्टम मतलब होता है, अगर हम किसी को भी इकोसिस्टम कह सकते हैं, हमारा घर का इकोसिस्टम, हमारे मोहल्ले का इकोसिस्टम, उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आता है। अब देखिए, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। दे आर नेचुरल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि नेचर द्वारा बनाया गया। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम जिसके अंदर हमारा पेड़ भी रहता है, शेर भी रहता है, हिरन भी रहता है। उसी तरह पॉन्ड्स भी एक इकोसिस्टम जिसके अंदर मछली, मगरमच्छ, ये सब रहता है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि होता है गार्डन, पार्क, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, जू, ये सब हम लोग बनाते हैं। एक्वेरियम जिसमें हम लोग मछली रखते हैं, गार्डन तो आपको पता ही है, पार्क भी पता है, और जू, चिड़ियाघर, ये सब हम लोग के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, दे आर बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। मीन्स इकोसिस्टम जो है मेनली दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता होता है, दो इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट्स होता है, बायोटिक्स और ए बायोटिक्स कंपोनेंट। तो बायोटिक्स कंपोनेंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपको हम बताए भी थे इकोसिस्टम दो तरह से होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों उसके अंदर आता है। तो जो लिविंग आता है उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके,
तो बायोटिक कंपोनेंट्स एक्चुअली जो होता है दे कंसिस्ट आर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन होता है तो लिविंग इट, वो होता है प्रोड्यूसर जैसे कि पेड़ वो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो हम लोग खाते हैं इसे, और डिकम्पोजर जो कि डिकम्पोज करता है जैसे कि छोटा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कीड़ा मकोड़ा जो होता है पिल्लू सब वो सब डिकम्पोज करता है किसी चीज को। तो तीन तरह का बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर हर्बिवर्स विच गेट फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, हम लोग हुए पेड़ हुआ ये सब कंज्यूमर है, और कार्निवोरस जैसे कि शेर हुआ वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही गेन करता है, कैसे जैसे कि हिरन प्लांट खाता है वो और वो शेर हिरन को खा लेता है तो इनडायरेक्टली वो पेड़ ही खा रहा है। और डिकम्पोज होता है दिस डिकम्पोज डेड प्लांट, जैसे कि डेड प्लांट्स एनिमल जो डेड हो जाता है उसको वो डिकम्पोज करता है, इसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। उसके बाद आता है ए बायोटिक कंपोनेंट्स, उस तरह आपको बताए थे तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है और दन लिविंग थिंग्स लाइक एयर वाटर सॉइल मिनरल सनलाइट टेम्परेचर, मीन्स नेचुरली होना चाहिए बट नॉन लिविंग जो जो सारा चीज है जैसे कि एयर हुआ हमारा वाटर हुआ सॉइल ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का। अब तीसरा हम बात करते हैं फूड चेन का, जैसे कि अभी आपको हम बता भी रहे थे कि नहीं शेर जो है डायरेक्टली नहीं खाता है पेड़ को बट इनडायरेक्टली पेड़ ही खा रहा है, कैसे हिरन पेड़ को खा रहा है और शेर हिरन को खा रहा है, तो इसको हम एक तरह से फूड चेन कहते हैं। चलिए इसके बारे में बात करें अगर हम तो फूड चेन होता है, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, दे यूजली स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर प्लांट्स एंड एंड विद अ कार्निवोर। इन अ फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स फूड चेन जनरली जो है एक्चुअली फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक जगह एक से दूसरे दूसरे से तीसरे पे जाता है, और जनरली वो स्टार्ट जो होता है यूजुअली वो प्लांट से स्टार्ट होता है क्योंकि वही प्रोड्यूसर है, और एंड जो होता है वो कार्निवोर से मतलब ऐसा जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उस पर एंड होता है। जैसे कि चलिए अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो एक हम देख रहे हैं ग्रास है, ग्रास को क्रिकेट खाता है, क्रिकेट मतलब एक कीड़ा होता है उसका नाम ही है, उस क्रिकेट को बर्ड खा लेता है हमारा, और बर्ड को स्नेक खाता है, मतलब स्नेक भी इनडायरेक्टली ग्रास ही खा रहा है, बस एनर्जी फ्लो कैसे किया, ग्रास का एनर्जी क्रिकेट में गया, क्रिकेट को बर्ड खा लिया और बर्ड को स्नेक खा लिया। तो हम चलिए कुछ और दो तीन क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसमें हम देखें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रास डियर लाइन का, दूसरा हम लेते हैं ग्रास इंसेक्ट फ्रॉग स्नेक का, और तीसरा हम लेते हैं ग्रास मॉथ फ्रॉग स्नेक हॉक्स का। ये देखिए इसमें तीन से गया है, तीन लाइन में इसमें चार है और इसमें पांच है, देखिए इसमें क्या हुआ, ग्रास जो है हमारा प्रोड्यूसर है, डियर जो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, और लायन जो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। आप ये तीनों को देखिए, मतलब फर्स्ट को हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें देखिए ग्रास क्या किया, डियर को खाया, मतलब ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी, डियर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि डायरेक्टली ग्रास खा रहा है, और डियर को लायन खाया, तो मेरा यहाँ पे लायन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वो ग्रास से एक के बाद दूसरे में खाया। उसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ग्रास को इंसेक्ट खाया, इसीलिए ग्रास जो है मेरा प्रोड्यूसर है और इंसेक्ट मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि डायरेक्टली ग्रास खाया, मतलब सीधा जो प्रोड्यूसर उसको खाया तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, अब ये इंसेक्ट इसको खाया तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नैक फ्रॉग को खाया मतलब कितना नंबर पे पहुंचा, 1, 2, 3, तो इसलिए हम स्नैक को कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, आप इसको समझ ही गए होंगे, इसमें मॉथ होगा प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नैक होगा टर्शियरी कंज्यूमर, और हॉक होगा क्वार्टरी कंज्यूमर, मीन्स ग्रास को मॉथ खाया, मॉथ को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नैक खा लिया, और स्नैक को हॉक्स मतलब चील खा लिया। यहाँ पे कुछ कुछ सैंपल ऑफ फूड चेन आपको हम दिखाए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर एक बार देख लें वीडियो पॉज करके कि क्या सब क्या सब है, ये आपके बुक्स से ही है, ये बुक्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। ओके ये वाला स्क्रीनशॉट, हाँ इसका वेबसाइट भी नीचे दिया हुआ है, ओके वो उसी का है। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, ये होता है फूड वेव, एक तो फूड चेन होता है लेकिन प्लस फूड वेव भी होता है, तो जैसे कि आपको हम बैक में अगर हम दिखाएं तो जरूरी नहीं है कि नहीं है ग्रास को इंसेक्ट खाए तो इंसेक्ट को फ्रॉग ही खाए, इंसेक्ट को वो भी तो खा सकता है क्या, क्या मतलब चिड़िया, इंसेक्ट को चिड़िया भी खाता है तो इंसेक्ट को चिड़िया भी खा सकता है, ठीक है, और तो जरूरी नहीं है कि इससे ऐसा ही जाए मतलब घूम फिर के, तो ये फूड चेन एक्चुअली नहीं होता, फूड वेव होता है रियल लाइफ में। तो हम एक सिंपल दिखा दिए, उस फूड वेव से आपको एक लाइनिंग करके दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं फूड वेव को, ये देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूसर हुआ, ओके इंसेक्ट इससे
और ये प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि चूहा खाया इसको, चूहा को भी डिकम्पोज करता है ये, फिर सेकेंडरी सब मतलब सब किसी को भी डिकम्पोज कर सकता है। ये फूड वेब अगर देख लेते हैं, इस एक सिंपल फूड वेब आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम करते हैं इस पेड़ से, एक्चुअली जनरली पेड़ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए पेड़ को ये भी इंसेक्ट खाता है, 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 ठीक। अब ये इंसेक्ट को ये इंसेक्ट इंसेक्ट खाता है, और ये इंसेक्ट को बर्ड खाता है, बर्ड को ऑल में गया, ठीक है। मतलब कितने लाइनिंग जा रहे हैं आप देख सकते हैं, इधर से आप इधर से ऐसे भी जा सकते हैं कहीं से। तो ये एक सिंपल सा फूड वेब है, इसमें भी इसको हम और कम्प्लेक्स भी कर सकते थे, बट एक हम सिंपल सा आपको दिखाने का कोशिश की। ये सेकेंड एक फूड वेब आपको दिखा रहे हैं कि एक पेड़ भी नहीं होता है, ये कितने सारे इंसेक्ट हम लाइनिंग करके दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल का, कि अब कौन कैसे खा रहा है, इसको हम एक ट्रॉफिक लेवल में बांटे हैं तो नहीं है। और ये हम बताए हैं कि एनर्जी कैसे ज़्यादा से कम होता है, इसको भी बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तीन फोटो आप देख रहे हैं, इसके बारे में चलिए हम बताते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल होता है, ईच स्टेप इन ए फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। मतलब कि फूड चेन में जब जब ट्रांसफर एनर्जी का होता है उसका फूड एनर्जी चेन में, तो उसको हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड कर देते हैं। तो कहा जाता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हम लोग रखते हैं प्रोड्यूसर को, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो रहेगा हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हमारा प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा जो कि डायरेक्टली पेड़ से खा रहा है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में हमारा रहता है कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड में सेकेंडरी रहेगा, फोर्थ में टर्शरी रहेगा, फिफ्थ में क्वार्टरी रहेगा, ओके इस तरह बढ़ते रहता है। तो देखिए आपको फर्स्ट पिक्चर से हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम उसका जिस जहाँ से फोटो ली है उसका हम कॉपीराइट वो भी डाल दिए, तो आप देख सकते हैं उस वेबसाइट पे भी जाके कि कुछ सेम फोटो आपको मिल जाएगा, ओके। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, सन है ये प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस, सन से मेरा प्लांट में आता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, ओके। क्योंकि सनलाइट से ही वो खाना बनाता है, लेकिन हम सन को नहीं काउंट करते हैं, पेड़ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वो मेरा प्रोड्यूसर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर वो हर्बिवोरस होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होता है, टर्शियरी कंज्यूमर यूजली एट द टॉप ऑफ कार्निवोरस होता है, ठीक है। मतलब सबसे हाई शेयर हुआ ये होता है टर्शियरी, मतलब यूज टॉप होता है, इसको कोई नहीं खाता है जिसको, ओके। तो अब हम लोग आते हैं, ये इकोलॉजिकल एक पैरामिड है जिसको बांटा गया है। देखिए कहा जाता है प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना उसको खाने वाला उससे कम होना चाहिए, उसको खाने वाला उससे कम होना चाहिए, उसको खाने वाला सबसे कम होना चाहिए उसका नंबर, ताकि मेंटेन हो सके बैलेंस नेचर का। ये नेचर कहता है कि वो इस पैरामिड टाइप में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एनर्जी भी जो डिवाइड होता है वो उसी तरह से होता है, क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर इतना होगा तभी वो इतने प्राइमरी कंज्यूमर को सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि एनर्जी देखिए हाई से लो की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है वो उसका एनर्जी का क्वांटिटी घट जाता है। जैसे कि प्लांट में अगर 100% एनर्जी है तो वो 70% ही ट्रांसफर हो पाएगा, 70 है तो 30, 20, 20 है तो 10, और लास्ट में इसको जीरो भी होना है, ओके। तो ये है एनर्जी का ग्राफ, इसीलिए कहा जाता है कि इसी तरह हमारा पॉपुलेशन का भी ग्राफ इसी टाइप का होना चाहिए, कि जो प्रोड्यूसर हो सबसे ज़्यादा, जो प्राइमरी कंज्यूमर उसके बाद, थर्ड सेकेंडरी उससे कम, और टर्शियरी सबसे कम होना चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ह्यूमन का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है धरती, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, उतना प्रोड्यूसर है नहीं, उतना पेड़ नहीं है ह्यूमन के मुकाबले, इसलिए कहा जा रहा है कि प्राइमेट को मेंटेन करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल, ओके। तो यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, एक बार देख सकते हैं कि जैसे कि एक प्रोड्यूसर मान के चलिए हमारा पेड़ वो 100 किलो कैलोरी बना रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तक कितना पहुंचेगा, 100, ये 1000 है तो 100 ही पहुंचा, उसके सेकेंडरी तक 10 ही पहुंचा, और टर्शियरी तक 1 किलो कैलोरी ही पहुंचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर हम आपको दिखाया जा रहा है, और हम जो बताएं वही यहाँ चीज लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, उसमें कहा जाता है हार्मफुल केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड्स। तो अगेन हम आ गए हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन भी इसे कहते हैं। इसमें हम बताया जा रहा है कि हार्मफुल केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड एंटर द फूड चेन। मतलब कि जो हम लोग इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पेड़ में डालते हैं ताकि पेड़ में कीड़ा ना लगे, खेती के समय डाला जाता है,
तो उसका बुरा असर क्या होता है कि वही इंसेक्टिसाइड जो है पेड़ अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अब पेड़ तो अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन आपको हम बताए थे कि हम लोग ह्यूमन जो है ह्यूमन फूड चेन का टॉप है, क्योंकि अब जो जिसको कोई नहीं खाता वही टॉप पे रहता है। ओके, तो ह्यूमन जो है इसके टॉप पे, तो क्या होता है इसका सबसे बुरा असर भी जो पड़ता है वो ह्यूमन पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, मान के चलिए आप वाटर में डीडीटी डाले हैं 0.00003 ppm, ओके, लेकिन और यही जो है इतना ये जाएगा छोटे वाले कीड़े में, इसको जब छोटा वाला कीड़ा वो पानी पिएगा तो उसमें जाएगा 0.04 ppm, जब इसको फिश खाता है छोटा वाला फिश उसमें जाता है स्मॉल फिश में 0.5 ppm, और स्मॉल फिश को जब बड़ा फिश खाता है तो उसमें डीडीटी चला जाता है 2 ppm, और इस जब फिश को चील खाता है तो ये चला जाता है चील में 25 ppm हो जाता है, वो इंसेक्टिसाइड का परसेंटेज हम बता रहे हैं इसमें। तो आप सोच सकते हैं डीडीटी कंसेंट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 10 मिलियंस टाइम बढ़ चुका है डीडीटी कंसेंट्रेशन। यही होता है वुमेन्स के साथ भी, ये सेकेंड वाले फिगर में देखिए कि जब एक्युमुलेशन ऑफ मर्करी इन फूड चेन, मतलब मर्करी हम लोग कैसे हम लोग के फूड चेन में इतना ज्यादा पड़ जाता है, तो वो बैक्टीरिया खाया, वो इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट से फ्रॉग में गया, फ्रॉग से फिश में गया, फिश से डक में गया, और डक से डक आदमी खा लेता है, उसमें सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड उतना पहुंच जाता है। यही चीज हर जगह पता जा रहा है, पहले वाले में ही बताया कि इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ फैट सॉल्युबल एनवायरमेंट, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ह्यूमन तक आते आते। ठीक है, तो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को अपने बॉडी को पहुंच रहा है। यहाँ पे सेकंड में ही कैसे दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे गेट एक्युमुलेटेड इन एवरी ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि वो हर ट्रॉपिक लेवल में एक्युमुलेट होते जा रहा है, ऐसा नहीं कि किसी में भी छूट रहा है, और उसका कंसेंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, और क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में है, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन आवर बॉडी, मतलब केमिकल का कंसेंट्रेशन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है और सबसे हार्मफुल इसीलिए हम लोग मानते हैं हम लोग के लिए हो जाता है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट की, ह्यूमन एक्टिविटी कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। आप सुने होंगे कि ओजोन लेयर में परत बन रहा है, ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, ये सुन रहे होंगे, वो कैसे हो रहा है आपको चलिए बताते हैं। वो क्या हो रहा है, ओजोन मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 ऑक्सीजन, मतलब ओजोन लेयर जो है जिसमें 3 ऑक्सीजन लेयर होता है O3, एट द हायर लेवल इन द एटमोसफियर द यूवी रेडिएशन स्प्लिट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, मतलब ऊपर में क्या होता है यूवी रेडिएशन जो है वो स्प्लिट कर देता है कुछ ऑक्सीजन O2 को फ्री ऑक्सीजन में, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं O2 है, इस पर यूवी रेडिएशन पड़ा तो ये स्प्लिट कर देता है इसको O+O में। अब क्या होता है, ऑक्सीजन एटम विच कंबाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O3 टू फॉर्म ओजोन। अब क्या होता है, ये O2 जो है किसी O के साथ मिलकर O3 बना देता है, और यही जो है हमारा होता है ओजोन लेयर, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है O3, हाईली पॉइजनस। The ozone layer present in the higher layer of atmosphere protect the earth from the harmful UV radiation. मतलब ozone layer जो आसमान पे है, okay, वो जो है protect करता है हमारा harmful radiation, जैसे कि UV radiation से आता है, UV radiation cause skin cancer in human, UV radiation ये जो है skin cancer का cause करता है human में। The ozone layer is being damaged by the use of chemical like chlorofluorocarbon, CFC, means chlorofluorocarbon हम लोग करते हैं, खास करके refrigerator में होता है, फ्रिज के अंदर इसका यूज किया जाता है जिसके चलते वो ठंडा कर पाता है, इसका जान है लगातार यूज बढ़ रहा है, सब फ्रिज दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर इसमें भी CFC का यूज किया जाता है। सो द यूज ऑफ CFC इज नाउ बीइंग रिड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, इसीलिए अब नया नया स्कीम बन रहा है, जैसे आप सुने होंगे ट्रांसमिट, ये सब सबमिट जो होता है ताकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसमें सब देश मानते हैं कि इसका हम लोग इतना कम से कम यूज कर सकें उतना कम से कम यूज करना है, इसीलिए अब नया नया फ्रिज भी जो आ रहा है उसमें CFC यूज नहीं करते, किसी दूसरे केमिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फोटो में आपको हम कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे ओजोन लेयर हम लोग को परत करता है। तो ये देखिए सबसे पहला जो परत रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, ये जो है ऊपर से, चलिए अर्थ से हम बात करते हैं, अगर अर्थ से हम बात करें तो 0 to 10 kilometers तक को हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ओके, उसके बाद 10 से जो 50 kilometers तक होता है उसी के अंदर हमारे बीच में आता है ओजोन लेयर, और उसके बाद पूरा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, और उसके बाद तो स्पेस है। तो सन जो है हमारा लगातार लाइट तो इमिट करता है, उसके साथ साथ यूवी रेज भी इमिट करता है, लेकिन ये ओजोन लेयर जो होता है उससे देखिए यहाँ पे एक लाइट आया, इससे यूवी रेज टकराया और वो वापस चला गया, बट इसी में जो बीच में परत बना हुआ है, या देखिए मान के लिए छेद हो गया है, जो ये सन लाइट आया और सीधा ह्यूमन पे लगा, और यही ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए सबसे ज्यादा ओजोन होल कहाँ पे है, ये इस जगह पे, जहाँ पे आपको
किस कलर से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ज्यादा ओजोन होल्स है। अब हम बात करेंगे कि चलिए तो हो गया हमारा काउस का, और मतलब क्या क्या ऐसे नुकसान है, अब इसको हम कैसे रोक रहे हैं, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, इसको हम कैसे मैनेज करें कि इसको कम से कम डैमेज हो हमारे एनवायरनमेंट को। इसमें है द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, मतलब हाउस होल्ड का जो हम लोग वो सब यूज करते हैं वेस्ट जो हमारा निकलता है हाउस से, उसको हम लोग गार्बेज कहते हैं। सम ऑफ द गार्बेज बायोडिग्रेडेबल, सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमको पता है गार्बेज में ही हमारा कुछ बायोडिग्रेडेबल ही होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है, ठीक है। यही गार्बेज को अगर आप जला देते, हमारा एयर पॉल्यूशन बनता है, पानी में फेंक दे तो वाटर पॉल्यूशन बनता है, और सॉइल में फेंक दे तो सॉइल पॉल्यूशन बन जाता है। तो इट शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली, तो इसीलिए इसको हम लोग को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ 6 मेथड लिखे हैं, सम ऑफ द मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर, 6 मेथड है जिससे हम लोग गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं। पहला है लैंडफिल, मतलब उसी लैंड उसी गार्बेज से हम लोग किसी लैंड जैसे यहाँ पे गड्ढा है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं। दूसरा है रिसाइकिल, बहुत सारा गार्बेज जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे लोहा का गार्बेज है इसको अगर आप कूड़ा खाना में बेच दें तो उसको वो रिसाइकिल करके उसको पिघला के एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्यूर, इसमें क्या होता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे खाना वाना है, इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह के टैंकर में सराह के उससे जो गैस निकलता है वो हमारा बायोगैस के रूप में निकलता है, जैसे हम लोग खाना वाना बना सकते हैं। चौथा है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, ये भी इस मशीन जो देखते हैं इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ, पांचवा इंस्पिरेशन, और चौथा है सीवेज ट्रांसमेंट में, वेस्ट ट्रांसमेंट मतलब नाली जो होता है इसको अगर हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो उसको हम क्या करेंगे उससे कूड़ा कचरा को जो बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा उसको ताके निकाल के रिवर में जो उसको हम लोग छोड़ते हैं वो साफ पानी होगा, ताकि हमारा वाटर पॉल्यूशन ना हो। यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं लैंडफिल का, इस तरह लैंडफिल होता है, इस तरह जो हम अगर हम कबाड़ी खाना देते हैं तो मैं रिसाइकिल होता है पेपर को, चाहे बेचते हैं चाहे लोहा हो, इससे आपको पैसा भी मिल जाता है और खास साथ बात नेचर को भी हमारा फायदा होता है। यह रहा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है मैन्यू, इस तरह इसके अंदर ही हमारा कचरा होता है, यहाँ देखिए पाइप है, सिंपल इस पाइप से बायोगैस हमारा निकल गया, और ये पिंपोजन और कंपोस्ट यहाँ पे गड्ढा है इसको हम भर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंसिनरेटर, ओके, एक मशीन है जिस डिकम्पोजिशन के लिए है। और यह स्विच ट्रीटमेंट, आपको एक ओवरव्यू दिया गया ओवरऑल कि कैसे स्विच ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमारा एक स्विच सिस्टम हर घर से और फैक्ट्री से कनेक्टेड है, तो सब अपना अपना वेस्ट इसमें डाल दिया गया। अब ये स्विच सिस्टम हमारा आ गया कॉस्केर स्क्रीन में, स्क्रीनिंग में आया कि जाके जिससे कि पता चल जाए कि हमारा कौन कौन बायोडिग्रेडेबल है कौन कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो जो डिकम्पोज के लिए है डिस्पोजल के लिए उसको हम यहाँ पे भेज दिए, जो अच्छे से अच्छा वेस्ट है उसको हम इसमें भेजें, और इस तरह आप इस चार्ट को देख सकते हैं इसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम इसको और डिटेल में बताएंगे, और हमारा सारा चैप्टर के बारे में बताया गया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज चेक करें, एक लिंक में भी कुछ लिंक्स दिए गए हैं कुछ वीडियोस के, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।